हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मछली फ्राई की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने ली है मछली, जिसको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। सबसे पहले हम मछली फ्राई के लिए मसाले को तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच साबुत धनिया जिसको मैंने कूट लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच नमक। अब हम इसी में डालेंगे इसी चम्मच से 3 चम्मच बेसन। सारी चीज़ों को डालकर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर मसालों का घोल तैयार कर लेंगे। इसको हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले और बेसन अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसका गाढ़ा सा घोल तैयार हो चुका है। अब हम मछली में इसको डालेंगे। मछली में डालकर इसको हम हाथों से अच्छे से मछली में मिक्स करेंगे। मछली में मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम ढक्कन लगाकर इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुका है। यहाँ पर एक बर्तन में मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम कलछुल की मदद से तेल को कढ़ाई में चारों तरफ अच्छे से फैलाएंगे और मछली को फ्राई करेंगे। अब हम एक एक करके मछली को इसमें डालेंगे। जितनी मछलियाँ एक बार में आएंगी, उतनी मछलियों को हम इसमें डालकर मछली को फ्राई करेंगे। मछली हमारी एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे पलट कर दूसरी साइड भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। मछली हमारी दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सारी मछलियों को मैंने निकाल लिया है। अब हम इसी तरह बाकी बची मछलियों को भी डालकर दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। सारी मछलियों को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी फिश फ्राई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको मेरी फिश फ्राई का यह तरीका कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।